आप सैमसंग S23 3 अल्ट्रा के अलावा आप आईफोन भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके क्या मुझे फीचर्स अच्छे लगे? अच्छा, इसलिए मैं आईफोन से अच्छा बेस्ट है लगा आपको ये? तो हेलो गाइस, मेरा नाम निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल बेस्ट है। तो आज का आपने टाइटल देख लिया होगा, आज की वीडियो भी हमारी होने वाली है फोन बाइंग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आज कौन सा फ़ोन परचेस करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, और कौन परचेस करने वाला है उनसे ज़रूर मैं आपको मिला देता हूँ। तो भाई एक बार आ जाओ और अपने बारे में बता दो, सबसे पहले अपना नाम बता दो। तो मेरा नाम लक्षित है एंड मैं S23 Ultra परचेस करने की सोच रहा हूँ। मैंने जितना रिसर्च करी है S23 Ultra के बारे में, मैं सोचा था S23 Ultra की तरफ जाना चाहता हूँ। तो तुमने किस बजट को मतलब अपने माइंड में रखा था, कितने बजट में? मैंने 1,50,000 1.5 लाख रुपये बजट में रखा था, है ना? तो भाई ने 1.5 लाख अपने बजट में रखा था, उसमें उन्होंने रिसर्च करी होगी, तो उनको जो रिव्यूज़ के थ्रू और जो उन्होंने वीडियोस वगैरह देखे होंगे उनके थ्रू उन्हें S23 Ultra पसंद आया। तो वही फ़ोन आज हम परचेस करने वाले हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो सारा चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा मैं, और भाई के साथ भी आपको जो भी रहेगा वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी पहले आपको शॉप वगैरह दिखा दूँ कि हम कहाँ पे आए हैं, कहाँ पे हम शॉप मतलब फ़ोन परचेस करने वाले हैं, तो वो आप देख लो। सो गाइस, आप शॉप देख सकते हैं, ये रही शॉप ओम साईराम मोबाइल। तो यहीं पे आज हम जो परचेसिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी शॉप पे। तो आप देख लेना आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस मिलता है, क्या सारी चीज़ें देखना चाहिए फ़ोन में, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप देख लेना आगे। तो इसी शॉप पर हम करने वाले हैं और अंदर जाके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सो गाइस, हम शॉप के अंदर आ चुके हैं। एक फोन चाहिए था आपको? फोन चाहिए? कौन सा फोन चाहिए आपको? मेरी रेंज है 1,50,000 की। अच्छा, आपको 1,40 1,50 तक का आपको फोन चाहिए? देखिए 1,50 तक तो आपकी दो चॉइस हो सकती हैं, और एक तो आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लीजिए, या तो फिर आप सैमसंग का S23 3 अल्ट्रा। अभी प्रेजेंट में ये दो फोन अच्छे बेस्ट चल रहे हैं, तो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं कोई सा भी। S23 Ultra। अच्छा, सैमसंग का S23 Ultra चाहिए आपको, है ना? रैम डिसाइड है आपकी? रैम रोम कितनी? हाँ। GB में आप लेना चाहेंगे? 12 5 12। अच्छा अच्छा, 12 GB RAM 512। अच्छा, स्टोरेज। आपकी कोई कलर की डिमांड तो नहीं है? ग्रीन कलर में मिल जाए। अच्छा, ग्रीन कलर में मिल जाए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अपन आपको सैमसंग का देते हैं, ठीक है ना? हाँ। ये लीजिए सैमसंग का S23 Ultra 512 और 12 GB में है आपका, और ग्रीन कलर जो आप मांग रहे थे, जो चॉइस कलर है आपकी वही कलर आपको मिल जाएगा। आप सैमसंग S23 3 अल्ट्रा के अलावा आप आईफोन भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके क्या मुझे फीचर्स अच्छे लगे? अच्छा, इसलिए मैं आईफोन से अच्छा बेस्ट है लगा आपको ये? या आपने फीडबैक लिया है इसका? हाँ। फीचर्स के विषय में पता है आपको इसके? इसका 200 MP का कैमरा होता है, जूमिंग सबसे बेस्ट है इसकी, देखा आपने? अच्छा, रिव्यू लिया इसका? अच्छा है, आईफोन से बेस्ट है, आईफोन से बेस्ट। चलो फिर आप सैमसंग के ही लो, आप बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ऐसा छोटे वेरिएंट का प्राइस क्या है? ये वेरिएंट अच्छा है ना, आप जो इसका फीडबैक लेके आए हो, तो इससे छोटा चाहिए क्या आपको? नहीं यानी इसका क्या है प्राइस? अच्छा, जानना चाह रहे हो? हाँ। इससे छोटा वेरिएंट आता है 256 में, वो होता है 1,24,999। ये वाला है आपका 512 12 GB में, ये आपको पड़ेगा 1,34,999 का। इसकी प्राइस रहेगी फोन की? और थोड़ा कम ज़्यादा नहीं, जो एक्चुअल रेट है अपन ने वही लगाया है, जो इसका जेन्युइन प्राइस है वही लगाया है, इसमें कम नहीं हो पाएगा, जो जेन्युइन प्राइस है इसका वही लगेगा, 1,34,999। ओके, ठीक है, सेटिस्फाई हैं आप? जी। तो फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए ना बॉक्स ओपन। देखिए आज भैया ने S23 Ultra लिया है हमारी शॉप से, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है ये, सैमसंग का प्राइम मॉडल है, देख सकते हैं हमने अनबॉक्सिंग की है इसकी, ग्रीन कलर में है, काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है ये। और बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है इस फ़ोन में वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये चार्जिंग केबल आया है आपकी, सैमसंग में हेड अडैप्टर नहीं आता है, कंपनी नहीं देती है, और सिम जेक है आपकी, सिम निकल के ये देख सकते हैं आप, बाकी फ़ोन है। इसका
सो गाइस अभी हमने S23 अल्ट्रा को अनबॉक्स कर लिया और इसका जो ग्रीन कलर है भाई ने वो वाला चूज़ किया है, तो ग्रीन कलर ही है, आप देख सकते हैं बॉक्स पे यहाँ पे बना हुआ है। और इसका आप एक बार ओवरव्यू भी दे दूंगा मैं आपको, पहले आप देख सकते हैं बिल्कुल भाई ने ऑन भी कर दिया इसको। और भाई ने 512 वाला वेरियंट लिया है, मतलब 512 GB वाला जो वेरियंट आता है, 12 GB रैम आती है इसमें, और ये वाला वेरियंट भाई ने लिया है। और इसका प्राइस एक बार और बता सकते हैं? इसका प्राइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,34,999 का ये फ़ोन है। और इसका कोई बेस वेरियंट ले उसका भी एक बार और बता सब। इससे छोटा वेरियंट जो आएगा वो 256 में आता है, 1,24,999 का पड़ता है वो, 1,25,000 का पड़ेगा। जी हाँ। ओके, तो गाइस भाई ने इसके जो बेस वेरियंट आता है उसके ऊपर वाला वेरियंट लिया है, और इसको मैं सेटअप करने के बाद आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे दूंगा। और इसका और जो चार्जर रहेगा उसका भी प्राइस, अगर शॉप पे होगा चार्जर तो भैया वो भी मैं उसका भी प्राइस आपको बता दूंगा, वो भी आप देख लेना, क्योंकि इसके साथ चार्जर नहीं मिलेगा आपको, तो सिर्फ जो डेटा केबल है वो आती है टाइप सी वाली। तो गाइस ये इसका बॉक्स है सैमसंग S23 अल्ट्रा ग्रीन कलर, और काफ़ी सिंपल सा बॉक्स आता है, काफ़ी स्लिम सा बॉक्स आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और मैट फिनिश में बॉक्स आता है, और यहाँ पे भी आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें फीचर्स यहाँ पे मेंशन नहीं होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी, और क्या क्या इसमें मेन फीचर्स आते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, और बाकी स्क्रीन पे मैं आपको देख लेंगे। तो गाइस इसमें आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको एस पेन का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम फीचर है सैमसंग की तरफ से, जो फ्लैगशिप फोन आते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाता है एस सीरीज में स्पेशली। तो ये आपको S23 अल्ट्रा में एस पेन देखने को मिल जाएगा, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, तो इससे आप काफ़ी अच्छी काफ़ी कम लेटेंसी के साथ इससे आप नोट्स बना सकते हैं, जो भी फीचर्स हैं इससे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं इसके बटन से, तो वो सारी चीज़ें आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स का आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, और इसमें आपको टाइप सी का केबल देखने को मिल जाएगी बॉक्स में, और टाइप सी का आपको इसमें यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाता है, सिम का भी आपको यहाँ पे जो ट्रे है वो देखने को मिल जाता है। और इस यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन माइक है सेकेंडरी, और आपको 4 कैमराज देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बैक में भी ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे पावर बटन और इसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये काफ़ी मतलब प्रीमियम तो है ही नो डाउट। और इसमें गाइस आपको अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, काफ़ी एक्यूरेट भी है। और इसके कैमराज की अगर बात करें तो आपको इसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा शार्प फोटो क्लिक कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा, 10 मेगापिक्सल का आपको टेरीस्कोपिक लेंस देखने को मिल जाएगा, और 10 मेगापिक्सल का आपको एक और कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छे जूम वाले फोटो क्लिक कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट मोड के लिए भी 10 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप जो है देखने को मिल जाता है अलग से डेडिकेटेड, तो काफ़ी अच्छा और मिडल डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 2x डायनामिक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही वाइब्रेंट आपको कलर्स देगा, क्योंकि आपको पता होगा सैमसंग में आप काफ़ी अच्छे कलर्स को मतलब फील कर सकते हैं। और इसमें जो जो कैमरा की वीडियो क्वालिटी है वो आप 8K तक शूट कर सकते हैं, रियर कैमरा से आपको 8K की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, तो आप वो भी काफ़ी अच्छे मतलब यूजेबल वीडियोस आप इसे शूट कर सकते हैं, 8K 30 फ्रेम पर सेकंड में आपको ये वीडियो आउटपुट देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और इसमें जो प्रोसेसर है इसमें आपको 8 Zen 2 मतलब देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था गैलेक्सी के लिए, इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको 45W की जो फास्ट चार्जिंग है ये फोन सपोर्ट करता है, और रिवर फाइल रिवर बायसलेस चार्जिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको ये वाला फ़ोन प्रोवाइड कर देता है, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलना है। तो गाइस भाई ने फ़ोन परचेज कर लिया है और भाई को पसंद भी आ गया, तो एक बार भाई से भी पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें फ़ोन कैसा लगा, मतलब फाइनली तुम्हें पसंद आ रहा है और परचेज मतलब करना ही है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया फ़ोन, इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 100x जूम तक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, एस पेन वगैरह, बाकी तो भाई आपको बता ही देंगे बाकी सब चीज़ें, एंड मैंने कंफर्म कर लिया इसको ले लिया। तो गाइस आपने देख लिया है, तो भाई ने फ़ोन फाइनल कर दिया है, तो भैया फिर बिल कर दीजिए फिर इनका। एक बात और बोलना चाहूँगा कि इतने अमाउंट में हर व्यक्ति अधिकांश कस्टमर हमारे पास आईफोन के लिए आता है, आईफोन सजेस्ट करता है, आपने सैमसंग ही क्यों किया, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको सैमसंग में जो 1,34,999 1,33,000 रुपये आपने लगाए? इसकी पहली चीज़ मुझे पसंद आई 100x जूम। अच्छा। दूसरी इसका एस पेन,
अच्छा, जो आईफोन में नहीं आता क्या? आईफोन नहीं देता क्या? आईफोन के आईपैड वगैरह में आता है, आईफोन में नहीं। और तीसरी इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 है जो कि सिर्फ गैलेक्सी के कस्टमाइज किया गया। अच्छा, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारा लगा। अच्छा, 100x जूम का भाई यूज क्या रहेगा वो तो बताओ मुझे। क्या जूम करोगे, क्या क्या चीज देखना है आपको? कुतुब मीनार देखना है क्या करीब करके यहीं से वेरेसिया से? क्या क्या ताजमहल देखना है यहीं से जूम करके? कुछ सोच तो रखा होगा आपने, कुछ जूमिंग करके देखना है वैसे? कौन सी चीज देखना है? अब मैंने फीचर्स बताए आपको जो मुझे पसंद आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बात की बात। चलो 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 भैया, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने सैमसंग का फोन, अरे नहीं पटक नहीं रहा हूँ अभी, पटको नहीं है ना अभी, नहीं नहीं इसमें आई आवाज, अभी ये नहीं पटका, पटको। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया सैमसंग के लिए आपको। ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली S23 अल्ट्रा तुमने परचेस कर लिया है। बिल वगैरह कर दें, कंप्लीट कर दें? ओके, सेटिस्फाई पूरा भैया, बिल बना दो इनका। लो तो गाइस, बिल फाइनली जो बिल वगैरह है उसका प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं। तो गाइस हम शॉप के बाहर आ चुके हैं और भाई सेटिस्फाइड हो ना? यस। जो कलर चाहिए था वो मिल गया? हाँ। और जो फ़ोन चाहिए था वो भी मिल गया? हाँ। और प्राइस ठीक लगा? हाँ। प्राइस भी ठीक लगा। तो गाइस हमने जो फ़ोन है S23 अल्ट्रा परचेस कर लिया, एक बार दिखा दो भाई। तो देख सकते हैं आप, भाई ने परचेस कर लिया है S23 अल्ट्रा, ठीक है। और भाई को सारी चीज़ें सही लगी, सेटिस्फाइड हो, और भाई ने थोड़ा सा यूज़ करके भी देख लिया तो सारा कुछ ओके है ना। तो भाई ये शॉप थी, आप देख सकते हैं यहीं से हमने परचेस किया ओम साईराम मोबाइल। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और थैंक यू सो मच भाई फ़ोन का बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और अच्छे से यूज़ करना भाई, गिरा मत देना है ना, पहले दिन ही नहीं तो गिर जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऐसी वीडियो तो मैं लेके आता रहता हूँ एक्सपीरियंस वाली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच।